देखो दोस्तों, ये रोका दाब है, देखो हल्का धीरे, देखो ये देखो, ये देखो, दो तीन बार दिया। ये जो सो जाने वाले हैं इन लोग, काम धड़ी जाती चीन है। अरे फिर आ गई, दिख रही, देख रहे, चले आज। हाँ, और जाने नको तो रोक दो के लिए एक लाइक करो। आप बेचारे दुनिया की मुसीबत कर रहे, देख रहे हैं नीचे। आपको इस तालाब का लोकेशन आपको अगर हो तो, अगर आपको मालूम करना है तो मेरा वीडियो पूरा देखो। बीच में मैं जो सो वीडियो के बीच में सो स्क्रीन पे नाम लिख के बोल देता हूँ दोस्तों। अब मुँह से तो नहीं बोल सकता, ये क्या है मालूम है, तालाब जो है सो लिस्ट पे लेस है दोस्तों। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में जाके देखो, आप बोला था क्या बोल के कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों, लोकेशन दे तू मुझे बोला था आपको, तालाबों का, नदियों का। वीडियो भगाओ मत दोस्तों, देखते रहो। उसके ऊपर आपको नाम आ जाता है लोकेशन का, आप जो है सो जाना चले जाओ। शिकार कर सकते तो करो, लेकिन बात क्या है दोस्तों, शिकार अगर कर रहे आप, अगर तालाब वाला अगर लीज को जो लिया उन्हें आ गया तो मुश्किल क्या है मालूम है, उन्हें मच्छी ले लेता, मच्छी को उन्हें आपके पास से ले लेता, ले लेके आपके रॉड जो भी है तोड़ लेता दोस्तों। इसके बाद से कुछ लोकेशन बोलने के लिए यूट्यूबर पूरे आगे पीछे होते, क्योंकि अपने जो व्यूअर्स है उनको तकलीफ नहीं होना, इसलिए यूट्यूबर जो है आगे पीछे होते बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते रहो एबीआर फिशिंग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु दोस्तों, सब खैरियत से आप लोग? आप लोग सब अच्छे हैं तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। एबीआर फिशिंग में आप लोग का स्वागत है। मोहम्मद बुरान मेरा नाम है, सिंका बाइट बता रहा हूँ। इस पर जो है सो कोंडा है, चावल का आटा है, और जो है सो आचार आटा है दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें थोड़ा स्पेशली क्या करा आज मैं बोले तो, इलायची कूट के पाउडर बना के डाला, इलायची का पेस्ट डाल लिया। देखेंगे इसमें शिकार कैसा होता है, बोल के इलायची का पेस्ट डाला। मैं आपको जो है सो सेटअप बना के रख लिया, चला बता रहा हूँ। ये सेटअप है दोस्तों मेरा, ये डाइवा का लाइन है, ये जो सो 50 नंबर है। ये सिंग है दोस्तों, लाइट वेट सिंग है। तो ये मास्टर्ड कंपनी का हुक है 0.6। ये तिग्गी घर में बैठ के बना ले सकते हैं आप लोग, अभी नहीं आए तो इंशाल्लाह कमेंट करो तिग्गी किस तरह बनाना, मैं भी आपको बताता हूँ। और ये पीछे बन लेना दोस्तों, कभी भी सिंग पे खेल रहे। देखो दोस्तों, ये बाइट मिला लिया, बोल दिया आपको मैं बेड में क्या मिलाया। ये देखो, ये शीश आटे पे इस तरह लगाना है, क्योंकि खाली शीश आटे के लिए है, वो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसका। ये सेटअप है दोस्तों मेरा, ये लकड़ियां लगा लिया। माशाल्लाह दोस्तों, साइज देख सकते हैं। ये सिंह पे मारा दोस्तों, सिंह का शिकार है। ठहरो 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 ठहरो, सब निकल गए दोस्तों माशाल्लाह। 1 किलो के दोस्तों, यस 1 से 1.5 किलो है दोस्तों इसका साइज। सिंगे हुआ दोस्तों शिकार। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह देखेंगे अभी भी शिकार कैसा आगे। Thank you.
दोस्तों देख सकते साइज। दोस्तों हम लोग लंच के लिए बैठे थे नाश्ता करने के लिए, डब्बा आ गया दोस्तों। ये माशाल्लाह कम से कम आधा किलो है दोस्तों, देख सकते। ये देख सकते ये सिंह पे मारा से दोस्तों, ये तो गुच्छों पे मारा और जो सो एक शूट नहीं कर सके। क्या है हमारे साथी आए थे, इसमें जो है सो जरा जाने वाले साथी हमारे। ये हमारे साथियाँ हैं, बताओ जी उनको साथियाँ को। ये हमारे साथियाँ हैं, ये जो है सो जाने वाले इन लोग हमारे। यहाँ भी एक साथी है बाजू में। ठीक है दोस्तों मैं आपको जो है सो रॉ का दाब डायमंड पे किस तरह होता उस तरह मैं बता दूँ दोस्तों आपको। मैं जो है सो दाब बता दूँ रॉ का दाब कैसा रहता। देखो दोस्तों ये रोह का दाब बताने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह। रोह अगर मारी तो दाब किस तरह होता। अब तो दाब नहीं हो रहा, अगर दाब हुआ तो मैं जो है सो फ़ोन लाइव लगाता हूँ डायमंड के लिए आप लोगों को बताने के लिए। आप लोग देखो उसके बाद जो है सो इंशाल्लाह मैं हाथ उठाने वाला हूँ अगर दाब हुआ तो। अभी तो नहीं हो रहा, इंशाल्लाह हुआ तो बिल्कुल डायमंड बता के आपको जो है सो मैं हाथ उठा के बताता हूँ रोह का शिकार किस तरह। रोह कैसा दाब देती अपने को और डायमंड कैसा होता रोह पे। और कटले पर तो अलग होता, रोह पे तो अलग होता, मृगल पर अलग होता। इंशाल्लाह बता दो आपको मैं। देखो दोस्तों ये रोह का दाब है, देखो हल्का धीरे, देखो ये देखो ये दे ये देखो दो तीन बार दी हटो। देखो दोस्तों माशाल्लाह चलेगी जी। माशाल्लाह दोस्तों ये बाम लग क्या है दोस्तों। ये बाम का बच्चा लगा दोस्तों, देख सकते इसको। मैं रोह का दाब समझा दोस्तों, इसको रोह ही समझा दाब देते रहे तो, लेकिन बाम का बच्चा लगा देख सकते आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह इन्हें जो दाब दे रहा था ना दोस्तों इसको मैं समझा रोह का दाब होगा समझ के मारा दोस्तों। लेकिन ये मैं नहीं कर रहा दोस्तों इसको, बच्चा छोटा है बाम का बच्चा है लेकिन बहुत भयानक घुस गया पेट में इसके, निकल रहा नहीं। देख सकते ये बाम है, छोटा है बच्चा, एक आधा किलो का रहता। मुश्किल है दोस्तों बचना ही नहीं, मर जाता ही नहीं क्योंकि देख सकते देखो अंदर का पूरा निकल गया इसका पूरा, बाहर अंदर ही निकल गई। लगी माशाल्लाह दोस्तों देख सकते शिकार हुआ, क्या है नहीं मालूम, इधर अल्लाह ही जाने क्या है। कैसा उछल रहे तुम, माशाल्लाह निकल गई। शिट चले गए दोस्तों, इसका रिज़्क बाकी था और इसने चले गई। देख सकते शाम का शिकार है दोस्तों ये।
फिर बाम आ रही, फिर बाम लगी दोस्तों। अरे फिर बाम का बच्चा आया उसका। माशाल्लाह दोस्तों फिर बाम लगी, अभी भी मारा रोका दाब था ये। ये बामा जो है सो तिग्गी को लग रहे दोस्तों, देखो नो पत्थर में घुस जा रहे हैं नो। अरे 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 पत्थर में चले गए। इधर आओ उस्ताद, जरा पत्थर में चले गए उस्ताद ने। तिग्गी निकल गई, तिग्गी निकल गई पत्थर में चले गई ने। कांटा देख रहे कैसा ले रही। और शिकार कुछ होता, शाम भी हो रही जाने का, लेकिन फिर भी देखेंगे इंशाल्लाह कुछ शिकार होता या नहीं होता। ये बाम के लिए एक लाइक करो, आप बेचारे दुनिया की मुसीबत कर रहे देख रहे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर गिर के। ठीक है दोस्तों देखते रहो बेयर फिशिंग। दोस्तों देख सकते हैं दो बामा मारा तिग्गी पे। दोस्तों पहले तीन मच्छा मारा था, वो हमारे साथी आके लेके चले गए, उसके बाद दो बामा लगे दोस्तों, और जो है सो एक छूट गई भी जो है सो। इंशाल्लाह ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और जो है सो नए स्पॉट के साथ देखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।